हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे कि फ्लैश की बर्थ और रिबर्थ के पीछे आके ब्लैकेस्ट का इतना बड़ा हाथ क्यों है और सारे लोग बैरे एलन यानी कि फ्लैश के पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे अनोखे और यूनिक कंटेंट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैश को, जो कह रहा था मैं हूँ फ्लैश और अगर तुम लोगों ने ये मैसेज रिसीव किया है तो तुम्हें पता है कि तुम लोग किसके खिलाफ हो। और वो ये बता ही रहा था कि तभी हमें कुछ शॉट्स दिखाई जाते हैं, कुछ सेंट्रल सिटी के जहाँ पर रोज का हिडन ग्रेवयार्ड था, जहाँ पर रिवर्स फ्लैश की ग्रेव दिखती है। वहाँ पर दूसरी तरफ कीस्टोन में, जहाँ पर वेली वेस्ट अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर रहा था। दूसरी तरफ सेंट्रल सिटी, जहाँ पर रोज का सेफ हाउस था। और बैरी आगे बताता है कि ब्लैक रिंग्स ने हमारे सारे एनिमीज, फ्रेंड्स और फैमिली को डेट से फिर से राइज कर दिया है, लेकिन ये ब्लैक लैंटर्न वो नहीं है और ये अनस्टॉपेबल है। और वो आगे बताता है कि ग्रीन लैंटर्न और उसकी कॉप इस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका पावर सोर्स ढूंढने गए हैं। और इस दरमियान हमारा काम ये है कि हम पूरे अर्थ को इससे प्रोटेक्ट करें। और ये सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी भी तरह के इमोशंस से, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इमोशन हो। और हमारा पहला काम ये है कि इनसे बचना है तो सबसे पहले हमें हमारे इमोशंस से दूर रहना होगा और तभी हम इनसे लड़ पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि बेरे एक तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था मैं यहाँ पर पूरी अर्थ पर भाग रहा हूँ और पीपल्स को वॉन्ट कर रहा हूँ राइजिंग डेट के बारे में। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो मैं भी इनमें से एक ही था। मैंने खुद को फॉरेंसिक साइंस के स्कूल और स्टडीज में इतना खुद को ट्रेन किया कि मैं सीसीपीडी में ज्वाइन हो गया और मेरे मदर का अनसॉल्व केस मैं सॉल्व करने लगा। लेकिन मेरे लिए उस समय क्राइम लैब के बाहर कोई भी लाइफ नहीं थी। मैं लगभग उन जैसा था, ब्लैक लैंटर्स के जैसा, बिना किसी इमोशन के। लेकिन तभी मुझे लाइटनिंग हिट हुई और मैं बन गया फ्लैश। और इसी के साथ मैं लोगों से एक कदम आगे रहने लगा। लेकिन सालों बाद मैं ऑब्लिवियन में दौड़ा और मेरी बॉडी और मेरे सारे पार्ट स्पीड फोर्स का ही एक हिस्सा बन गए। लेकिन स्पीड फोर्स में बिटने से पहले मेरी जिंदगी में रिवर्स फ्लैश आ चुका था टाइम ट्रेवल करके, और वो मेरी सारी पावर्स चाहता था। वो मुझे तड़पते हुए देखना चाहता था, इसीलिए उसने मेरी माँ को भी मार दिया। और जो चीजें मेरे साथ बुरी हुई उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रिवर्स फ्लैश ही था। और मैं स्पीड फोर्स में चला जाता इससे पहले ही मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। मैंने रिवर्स फ्लैश को मार दिया उन्हें बचाने के लिए जिनसे मैं प्यार करता था, लेकिन उसकी बॉडी रॉच ने चोरी कर ली और उनके हिडन ग्रेवयार्ड में रख दी। जैसे कि बाकी लोग राइज हुए है, वो भी जरूर राइज होगा, और वो बढ़ रहा था सेंट्रल सिटी की तरफ। लेकिन मैं ये बात हेल और बैले से नहीं कह सकता, किसी से भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोमरा के ग्रेवयार्ड के सामने उसका बेटा खड़ा था एक और विलन के साथ, जहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास हार्ट है। जिस पर वो विलन कहता है नहीं, मेरे पास हार्ट नहीं है, मैं सिर्फ एस्ट्रली प्रोजेक्टेड हूँ इन बर्निंग एस्पाल्स में। जिस पर बुमरैंग का बेटा यानी कि दूसरा बुमरैंग कहता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक लैंटर्न सबसे पहले तुम्हारे हार्ट के लिए तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। और जब मेरे पिता मरे तब मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मुझे उनकी मदद चाहिए, उनसे बात करनी है मुझे। लेकिन वो विलन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात करेंगे। और तभी वहाँ पर एक ब्लैक रिंग आ जाती है, लेकिन वो ब्लैक रिंग बूमरैंग के बजाय जाती है रिवर्स फ्लैश के ग्रेव में और उसे राइज करके उसकी सारे मेमोरीज डाउनलोड कर लेती है। उस वक्त तक जहाँ पर रिवर्स फ्लैश मरा था, यानी कि फ्लैश ने उसे मार गिराया था। और ये देखते ही बूमरैंग उस विलन से कहता है तुम कितनी तेजी से दौड़ सकते हो। इस पर वो कहता है मैं दौड़ नहीं सकता। इस पर बूमरैंग कहता है इसका मतलब हम बचने नहीं वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैली और बैरी दोनों ही टच में थे, जहाँ पर टीन टाइटन से बार्ट उसे पूछता है तुम जा कहाँ पर रहे हो। इस पर बैरी कहता है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ ट्रबल होने वाली है। इसका मतलब इस पर वो बताता है कि गोरिल्ला सिटी, उसका लीडर सोलोवार मेरा दोस्त है और ब्रिलियंट माइंड में से एक है, समझ गए। इस पर वो कहता है लेकिन सोलोवार तो इससे आगे को वो कुछ कह पाता, वहाँ पर कम्युनिकेशन जैम हो जाता है। और तभी बैरी देखता है कि उसके सामने रिवर्स फ्लैश खड़ा था जो कि अब ब्लैक फ्लैश बन चुका था, और वो उसके आसपास घूमते हुए उससे कह रहा था तो तुम जस्टिस के मैसेंजर के तौर पर दौड़ रहे हो है ना, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हो। यहाँ पर बैरी सोच रहा था काम डाउन, तुम्हें पता है कि ये किससे अट्रैक्ट होते हैं, तो इनके सामने कोई भी इमोशन मत दिखाना। ये भले ही रिवर्स फ्लैश है जो कि बाकियों की तरह ही राइज हो चुका है, लेकिन ये एक ब्लैक लैंटर्न है और ब्लैक फ्लैश, तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ है ना। आगे ब्लैक फ्लैश उसे कहता है तुमने मेरी गर्दन तोड़ दी, तो अब बताओ तुम्हारी जस्टिस लीग और इरिस क्या कहती है। आगे वो बता ही रहा था, इतना सुनते ही फ्लैश खुद से कहता है ब्लैक लैंटर्न की मेमोरी एंड हो चुकी है रिवर्स फ्लैश के साथ ही,
ये बाकियों की तरह ही एक प्रोग्राम है और इसकी मेमोरी वही तक है जहाँ पर मैंने इसकी गर्दन तोड़ दी थी, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मैं मर कर फिर से जिंदा हो चुका हूँ और मुझे अब वैसे बनना होगा जैसा मैं लाइटनिंग हिट होने से पहले था, सिर्फ और सिर्फ एक पुतला बिना किसी इमोशंस के। तो कुछ भी फील मत करो। आगे बैरी एलन पर ब्लैक फ्लैश अटैक करने जाता है, लेकिन बैरी उसका ध्यान भटका कर उसे हवा में फेंक देता है और कहता है मुझे इससे दूर भागना होगा। जब तक ये नीचे आए तब तक मैं 500 माइल्स भाग चुका होऊंगा, लेकिन होपफुली अगर वो नीचे ग्राउंड पर आ भी गया और उसने मुझे ढूंढना निकाला तो मैं जाकर अपने क्वेश्चन फॉलोअर से पूछ सकता हूँ। वो लीडर है सुपर इंटेलिजेंट सोसाइटी जो कि गोरिल्ला की है। मैं उसे सालों पहले मिला था और उसने मेरी मदद की रॉज को ढूंढने में जो कि गोरिल्ला सिटी में थे, और उसने अपना कल्चर मेरे सामने ओपन किया और मैंने अपना। आगे उसने मेरी को मदद की केस को सुलझाने में और मैंने उसकी मदद दी भी। यहाँ पर गोरिल्ला सिटी एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर हाइड है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैश देख सकता है। आगे वो उस गोरिल्ला सिटी में जाते हुए कह रहा था ये पूरी सिटी ग्रॉट स्ट्राइक की वजह से बर्बाद हो चुकी है। वो हमेशा से गोरिल्ला सिटी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, जैसे कि रिवर्स फ्लैश और बाकी रॉड, यहाँ की हर एक चीज वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन वो खुद से कह रहा था ना ही अपसेट हो ना ही एंग्री हो, अपने इमोशंस पर काबू रखो। और वो आगे देखता है कि वहाँ पर एक बेसिकल डायग्राम थी स्पीड फोर्स की जो कि एक दीवार पर ड्रॉ की हुई थी। वो कहता है ये तो वो डायग्राम है जो मैं खुद के बारे में सीख पाया हूँ, और वो इसी के साथ होप से भरा हुआ था। और वो कहता है कि आखिर गोरिल्ला सिटी को स्पीड फोर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तभी हम देखते हैं सोलोवार को जो कि ब्लैक लैंटर्न बना हुआ था, और आगे दूसरी तरफ रॉच के हिडन ग्रेवयार्ड में विलन आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर मेरा मास्टर बता रहा था कि आगे कौन कौन राइज हो सकता है, जैसे फर्स्ट मिरर मास्टर, फर्स्ट कैप्टन बूमरैंग और साथ ही साथ गोल्डन ग्लाइडर। आगे कैप्टन कोल्ड उनसे कहता है कि इससे पहले कि वो हमारे पीछे आए हमें उनके पीछे जाना होगा, लेकिन उसके दोस्त उन्हें समझाते हैं ये अच्छी बात नहीं है कि हम उनके पीछे जाए जो हमारे पीछे हमें मारने वाले हैं। लेकिन फिर भी कैप्टन कोल्ड मिरर मास्टर के साथ दूसरी जगह पर चला जाता है। उसी तरफ सोलोवार ब्लैक लैंटर्न बन के बैरी को मार रहा था, और थोड़ी देर बाद वो खुद पर कंट्रोल कर कह रहा था मैं सालों पहले ही मर चुका हूँ, और अपने आप पर कंट्रोल करके वो कहता है बैरी मेरी मदद करो, गोरिल्ला सिटी की ग्लोरी वापस लाने में मेरी मदद करो, इस सबसे मुझे दूर निकालने में। और इतना सुनते ही फ्लैश उसकी ब्लैक रिंग लेकर वहां से भागने लगता है और वो कहता है ब्लैक फ्लैश की तरह ये भी वापस आ चुका है। नहीं ऐसा मत सोचो, होप फील मत करो, सोलोवार मर चुका है तुम्हारी माँ की तरह जैसे कि बाकी लोग मर गए। और वो वहाँ से भागते हुए खुद से कह रहा था कि अगर मैं इसे इंडियन ओशन में कहीं पर डाल दूँ तो ये वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि होप फील मत करो वरना वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, कुछ भी फील मत करो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस रिंग के जरिए ही सोलोवार फिर से राइज हो रहा था, लेकिन बैरेलन उससे भाग रहा था और यहाँ पर पावर लेवल 100% हो चुका था। और जैसे ही वो को सिटी में एंटर करता है उसे ब्लैक हैंड की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वो कह रहा था बैरेलन ऑफ अर्थ तुम्हारी डेथ फर्स्ट थी, तुम्हारा रिबर्थ लास्ट है। इस पर वो बैली और बार्ट से कहता है कि अब प्लान चेंज करना होगा, सब लोग यहाँ पर आ जाओ कोस्ट सिटी की तरफ। यहाँ पर कैप्टन कोल्ड बूमरैंग ट्रिक्स्टर और वेदर विजार्ड सभी रॉज टीम जो कि बची हुई थी वो आयरन हाइट आ चुकी थी, और कैप्टन कोल्ड उन सब से कहता है तो चलो दोस्तों कुछ जॉम्बीज को शूट किया जाए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।